चलिए सभी स्टूडेंट लाइन में जुड़ जाओ फटाफट, जितना भी स्टूडेंट है फटाफट से बच्चे लाइन में आ जाओ। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, कल के लिए या एग्जाम के लिए, कल एग्जाम जो होने वाला है 7 फरवरी को, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है। अभी जो बच्चे लाइव में भी पूरे वीडियो को देखेगा, और हाँ जो ऑफलाइन भी देखेगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखेगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जो एग्जाम कल जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें डायरेक्ट एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको समझ लो। आज आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आप लोग एग्जाम देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर विषय कोड लिखा रहेगा, और यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट कोड लिखा रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा। कुल प्रश्न रहेगा 96, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही खास है। इसमें 70 में आपको 35 क्वेश्चन, सिर्फ 35 क्वेश्चन का आंसर लगाना है। उसमें से आपको 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, उसी समय आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, वही बेसिक सा इंफॉर्मेशन नीचे हम लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। 15 मिनट जो समय दिया जाएगा, उसी समय को आप लोग क्या करिएगा, पूरा समय का पूरा उपयोग आप किस में करिएगा, ये 35 क्वेश्चन में करिएगा। ये 35 क्वेश्चन को आप 70 में डिसाइड कर लीजिएगा, कौन सा 35 क्वेश्चन को आपको आंसर लगाना है, समझिए। पूरा समय का उपयोग पूरा करिएगा, समझिए, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जल्दी से सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, फटाफट इतना कम करो, फटाक से जल्दी, इतना जल्दी कम करो। कुल एग्जाम रहेगा 70 मार्क्स का, आपको पता है। चलिए जल्दी 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 से एक बार जल्दी जल्दी करो, ये कुल कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, समझ गए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें। थोड़ा देखते हैं कितना बच्चा कमेंट कर रहा है, कितना सो गया है अभी एकदम सरस्वती पूजा में, कुछ बच्चा लीन हो गया है। अरे भाई साहब एग्जाम है, पपीता स्टडी बाबा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी एक बार शेयर कर दो वीडियो को, चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का प्रथम क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम, एक लिंगी जो कौन सा है, चार संख्या चार राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जो है एक लिंगी है, जल्दी से राइट आंसर लाओ क्या होगा। थोड़ा सा कलर चेंज आज कर देते हैं, क्या सही रहेगा ये, हाँ। निम्न में से कौन एक लिंगी है, एक लिंगी पौधा कौन सा है, जल्दी बताओ, एक लिंगी पौधा जो होता है कौन सा होता है, बात बने। जो बच्चे पपीता लगाए थे उनका 100% ऑप्शन मसीह वाले बच्चे मौज कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साधना। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही, आहार श्रृंखला किसका सही है, चारों आप बारीकी तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये रहेगा 100% यह क्वेश्चन पूछेगा, आहार श्रृंखला से एक क्वेश्चन रहेगा, बताओ जल्दी निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। सबसे पहले घास आ जाएगा, घास गेहूं नहीं आएगा, गलत हो गया, बकरी गाय, ये बकरी को गाय कहा नहीं सकता, यहाँ पर घास बकरी शेर सही है, घास मछली और बकरी ये गलत है, समझे। दैट इज ऑप्शन, अभी ऑप्शन देखकर भी आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू स्टूडेंट है, और जो पुराने स्टूडेंट है अपना जो होता है ना धर्म मत भूलना, अपना धर्म मत भूलना, अपने मन से लाइक कर देना। गोल्डन सुनहरा धन में कौन सा विटामिन पाया जाए, गोल्डन सुनहरा जो धन होता है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताओ कौन सा विटामिन रहता है। गोल्डन सुनहरा धन में विटामिन ए रहता है, और गाजर में भी विटामिन ए रहता है, ये रतौंधी के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, विटामिन ए से आंख की बहुत ही ज्यादा लेंस की क्षमता जो बढ़ जाता है, समझिए। क्या होगा ऑप्शन नंबर
ये वाले बच्चे मौज कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिर अभ्यारण प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, फटाफट बताओ गिर अभ्यारण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण जो होता है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। शेर वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तेरा डेसा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मतलब मात्रा नहीं, वो तो तोला ही लिखाई वाला नहीं है, मतलब संख्या में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूक्लियो ओसाइड क्या है? न्यूक्लियो ओसाइड क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ वो क्या है। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ये उनका 100% है, शुगर पर एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। चल समझिए, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का था शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन जो होता है ना, वो उसका अगर नियंत्रण करना चाहेंगे तो वो नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? एंड्रोजन के द्वारा नियंत्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सनोज। क्वेश्चन नंबर 7 मानव रुधिर वर्ग ए बी वर्ग वाला कौन था? ए बी वर्ग जो होता है ना, बहुत ही ये क्या कहते हैं कमीना किस्म का खून ब्लड रहता है, यह खुद अपने आप में मतलब सभी जितना भी ब्लड है सबसे ये ब्लड ले सकता है, सब इसको दे सकता है, इसे सर्वग्राही भी ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही, मतलब सबका ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता किसे किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम पूछा जाएगा, सर्वदाता ब्लड का नाम क्या है? ओ ग्रुप का सर्वदाता होता है, ये सबको ग्रुप मतलब खून दे सकता है, और ये भी सबसे खून ले सकता है। लेकिन ए बी वाले भैया भाई साहब जो है सिर्फ ए बी भाई ही भाई साहब को खून से दे सकता है, और बाकी किसी को नहीं दे सकता है, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, उनका 100 एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का था गोल्डन राइस में पाया जाता, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर गोल्डन राइस में अभी जस्ट बताया गोल्डन चावल या राइस में विटामिन ए पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट बताओ। तो मेंडल ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिक के नियम, क्या? अनुवांशिकता का नियम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना चाहते हैं उसमें सहायता कौन कौन करता है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ला क्या होगा, फटाफट राइट आंसर लाते चलो। बहुत सुंदर, जैविक खाद करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 यूकेरियोट्स में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? उस क्रम को क्या कहते हैं? उस क्रम को इंड्रोट्रोन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंट्रोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मानव का उद्गम स्थान माना जाता है, मानव जो विकसित हुआ कहां से विकसित हुआ था? आप सबको पता है मानव जो है ना अफ्रीका से विकसित हुआ, कहां से? अफ्रीका से विकसित होकर पूरे दुनिया में फैला है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण किया जाता है, एड्स जांच करने के लिए किस कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा जांच से एड्स का पता चलता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया आरंभ होता है, कौन सा समूह है जिससे एंटीबॉडीज की एलर्जिक क्रिया आरंभ होता है यानी शुरू होता है? जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी जो ला रहे हैं उनका 100% आईजीई होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 रिजिक्सेशन एंजाइम निम्नलिखित में से पाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है किसमें पाया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना वो पाया जाता है एक्सोन्यूक्लियस में और एंडोन्यूक्लियस में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बीटी और अबिस किससे प्राप्त होता है? बीटी अबिस किससे प्राप्त होता है? बीटी और अबिस जो होता है ना वो प्राप्त होता है प्रोकैरियोट से प्राप्त होता है, प्रोकैरियोट से प्राप्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जीन क्लोनिंग के समय जीन टैक्सिन किससे
कहा जाता है, जीन क्लोनिंग के समय जीन टैक्सिन जो होता है ना वह कहा जाता है प्लाज्मिड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, अभित बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोषण पाया जाता है। अभित बीजी है ना उसमें भ्रूण पोषण त्रिगुणित पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, पराग पिंड निमांकित में किसमें पाया जाता है। पराग पिंड जो होता है ना वह पाया जाता है मदार में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निमांकित में से कौन सा पार्थेनोकॉर्पिक फल है। पार्थेनोकॉर्पिक कौन सा फल होता है, केला जो होता है पार्थेनोकॉर्पिक फल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन वन सॉरी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 21, पिगविन एवं डॉल्फिन से प्रिय पर्स दर्शाते हैं बताओ क्या दर्शाते हैं। पिगविन एवं डॉल्फिन से फिलीपर्स जो दर्शाते हैं क्या दर्शाते हैं, वह दर्शाते हैं अनुरूपता दर्शाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना आउट होता है उसी समय दे देते हैं तो आदमी मतलब बच्चे पढ़ के चल जाते हैं। लंबत द्विभाजन पाया जाता है, लंबत द्विभाजन जो है ना वह पाया जाता है युगलिना में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा, पेरिस्पर्म का विशेष भाग क्या होता है। पेरिस्पर्म जो है उसका शेष भाग जो होता है वह क्या होता है, वह बीजांड काय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजांड काय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमलिन शब्द का प्रयोग होता है, ह्यूमलिन शब्द का प्रयोग जो है किस पर होता है, किस प्रकार पर जल्दी बताओ। ह्यूमलिन शब्द का जो प्रयोग होता है मानव इंसुलिन के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक संकरण क्रॉस से जीनोटाइप अनुपात होते हैं। एक संकरण क्रॉस से जो होता है जीनोटाइप अनुपात है। एक संकरण को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड कहते हैं, समझ गए, मोनोहाइब्रिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं 1:2:1 के अनुपात में रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मलेरिया का कारण क्या होता है। मलेरिया का जो कारण होता है वह क्या होता है, मलेरिया कारण प्रोटोजोआ होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी किसकी है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका 100% अपघटनकर्ता का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, मेंडल के अनुसार कौन सा गुण प्रभावित होता है। मेंडल जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार कौन सा गुण है जो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो बच्चे बी लगा रहे हैं उनका 100% लंबा पौधा और गोल बीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अमीबियोसिस का कारक को होता है, अमीबियोसिस का कारक क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन में एंट अमीबा हिस्टोलिका उनका 100% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, होमोसोपियंस का विकास कहाँ हुआ, यानी हमारे जो जीवन है मनुष्य का जीवन जो है वह कहाँ से हुआ था। सिंपल सी बात है, वह अफ्रीका से विकास हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, उस कठिन का चुनाव करें जो सबसे उत्तम परिजीविता को दर्शाता। सबसे उत्तम परिजीविता को क्या दर्शा रहा, चारों में जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, एक जीवी लंबित होता है और दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। जब एक जीन जोड़ा होता है उसको दूसरा जीन जोड़ा जो होता है उसको दबा देता है तो उस घटना को क्या कहते हैं। 32 का राइट आंसर क्या होगा, प्रभाविता कहते हैं, किसको, प्रभाविता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का था इनमें से कौन परबहुगुणिता को दर्शाता है। परबहुगुणिता को क्या दर्शाता है, बहुत सुंदर, 4a दर्शाता है, क्या 4a। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन निषेचन आंतरिक होते हैं। निषेचन आंतरिक किसमें निषेचन आंतरिक होता है जल्दी बता दो। निषेचक आंतरिक जो होता है ना वो होता है एंजियोस्पर्म में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गराम पॉजिटिव एवं गराम निगेटिव
ग्राम पॉजिटिव और एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मुख्यतः अंतर होते हैं। क्या चीज का अंतर होता है? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन में बी, कोशिका झिल्ली का अंतर उसमें हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज्यादा अत्यधिक अगर एल्कोहल लेता है तो उसका जो होता है लीवर या किड उसका प्रभावित होता है, उसके कारण मृत्यु हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में सही थी, CO2 और O2 के बीच संतुलन किसके कारण बना रहता है? CO2 और O2 के बीच जो होता है ना उसके बीच श्वसन, श्वसन जो होता है सांस लेते हैं उसके कारण संतुलन बना रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। बहुत सुंदर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का फटाफट राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 38, बाध्यता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? जो बच्चे क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन में बी ला रहे, ओजोन परत की कमी से उनका 100 ओजोन परत की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया साधना, बिडाल परीक्षण किसकी पृष्ठी के लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण जो है किसके पृष्ठी के लिए किया जाता है? बहुत सुंदर, टाइफाइड के परीक्षण के लिए, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, गर्भधान अवधि है, गर्भधान अवधि क्या है? क्वेश्चन 40 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में सी ला रहे हैं, उनका निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच की अवधि को गर्भधान अवधि कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा प्रक्रम होता है? बाहर से स्तर के जो अंदर की ओर होता है वह कौन सा प्रक्रम होता है? वो जो प्रक्रम कोरोना कोरोना रेडिएटा एवं जोना फेल्यूसिडा और पीटक कला होता है, ये तीनों होता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति पर या गर्भावस्था के कितने माह के दौरान अनुभव होता है? मतलब बच्चे का सिर पर जब कितने जब ये चिल्ले इसके सिर पर कितने माह के बाद बाल आना शुरू हो जाता है क्वेश्चन और गर्भावस्था में? क्वेश्चन 42 का जो बच्चे ला रहे हैं पांचवे माह में उनका 100 पर पांचवे माह में बाल आना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? अमनियोसेन टेसिस का उपयोग किया जाता है जिससे गर्भावस्था के अंदर ही बच्चे का पता लग जाता है क्या वो लड़का है लड़की, उस कारण बहुत ही दुरुपयोग उसका होता है, तो राइट से क्या ऑप्शन में बी हो जाएगा। आप लोग समझदार है, आप खुद समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जन्म बर नियंत्रण की विधि को कौन सी है? जन्म बर नियंत्रण किस भी की विधि कौन सी है? जल्दी बताओ, बहुत सुंदर, कौन सी है? IUCDS है, तो राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, HIV निम्नलिखित में से कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV जो है ना वह किस कोशिका पर मतलब आक्रमण करता है? बहुत बढ़िया, किसको से टी हेल्पर कोशिका पर जो है वह आक्रमण HIV करता है, राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? वह प्रसिद्ध है बाघों के लिए, किसके लिए? बाघों के लिए, राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए के पायरीमिडियन में पाया जाता है, डीएनए के पायरीमिडियन में क्या पाया जाता है? पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अर्थात एमनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एमनीमोफिली नामक जो परागण होता है वह पाया जाता है हवा में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना हरे पौधा क्या होता है? उत्पादक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का पौधा को चयन किया था, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया साधना, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतर है? स्तन ग्रंथियां जो है ना वह रूपांतरित है श्वेत ग्रंथि की तरह, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल जो अपरा है वह पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भ्रूण में अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी ला रहे, एमनियोबोसेंटेसिस उनका 100% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 54, अमर बेल क्या है? अमर बेल जो है पूर्ण तना परजीवी है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट करवा देते हैं, एग्जाम का समय नजदीक है, बहुत ही ज्यादा रिवीजन आपको करना जरूरी है। जलीय हाइड्रोफाइटा पौधा का नामांकन में कौन सा उदाहरण है? हाइड्रोफाइटा होता है कमल, हेड्रिला और ट्रापाज, तीनों होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, कौन सा मत व्यक्तिगत जाति व्यक्ति की अनु पुनरावृत्ति करता है, कौन करता है? क्वेश्चन 56 का राइट आंसर जो बच्चा समझी ला रहे हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत, उनका 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 का था जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या है? जैव विकास सिद्धांत का मुख्य जो संबंध है वह विशिष्ट स्फीतिवाद से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित में से वायु जनित रोग कौन सा है? वायु जनित जो रोग होता है वह कौन सा है? वह है टीबी, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये तीनों हैं वायु जनित रोग, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुक्त अवस्था क्या होता है, मुख्य अवस्था क्या होती है? क्वेश्चन 59 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे बी, उनका 100% स्पोरो जो बाइट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द्रव को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करके एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब इसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, एकाएक इसको 0 डिग्री पर ठंडा कर देंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाश्चराइजेशन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पुनेत्र वर्ग किस विकसित किया था? पुनेत्र वर्ग विकसित क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेजिनाल्ड ने विकसित किया था पुनेत्र वर्ग को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बरसत कहता है बुचरेरिया बैंक्रोफटी आबामी में फलेरिया रोग पैदा होता है, यह किस समूह का है? यह जो समूह है ना वह समूह है हेल्प मिथ का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एंटोमोफिल नामक परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिल नामक परागन जो है ना वह होता है कीड़ा के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी किसको रोकता है? कॉपर टी हो ना जो है वो रोकता है निषेचन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? यौन संचालित रोग जो है सिफिलिस रोग है जो यौन में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन में 66 का राइट आंसर जो बच्चे साइटोसिन एवं यूरेसिल बता रहे हैं, उनका 100% सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पीसीआर विधि आवश्यक है, पीसीआर जो विधि है किसके लिए आवश्यक है? वो आवश्यक है डीएनए संवर्धन के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? CO2 जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन होता है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, मतलब गैस नहीं है? शायद कहीं नाइट्रोजन हम पढ़े थे, CO2 ग्रीन हाउस गैस है या नहीं? CO2 ग्रीन हाउस गैस है या नहीं? हाँ, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे तो इसके लिए थोड़ा कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, उत्परिवर्तन निम्नांकित में से किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है? उत्परिवर्तन जो होता है किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से?
उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? गामा विकिरण द्वारा होता है। तो राइट इस ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मानवों में रुधिर वर्ग ए बी ओ के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं? वह 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। तो राइट इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका 100% सही है। बहुत बढ़िया साधना, साधना ही एक तो है बच्चा, पूरा एकदम जोर लगा पढ़ रही है। और करवा दे 60 क्वेश्चन और करवा देते हैं। एक बार से बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, एक बार वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। जीन क्लोनिंग के समय जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? जीन क्लोनिंग के समय जो है जीन टैक्सिन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बच्चे बी लगा रहे हैं उनका 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? सबको पता है, अभी जस्ट बताए थे। आंतरिक निषेचन जो होता है ना वह एंजियोस्पर्म में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंतरिक मतलब हो जाता है आंतरिक निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप में समान जीव को कहते हैं, समान जीव को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। समान जीव को जो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोन कहते हैं। एक पुंजक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोन जो है एक पुंजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेनिसिलियम में जनक कौन सी विधि है? जनन का कौन सी विधि है? जल्दी बताओ। पेनिसिलियम में जो है ना जनन की कोनिडिया विधि है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? सबको पता है, अभी जस्ट बताए थे। कौन सी पाए जाते हैं? विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। गिर अभ्यारण प्रसिद्ध है, गिर अभ्यारण किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण जो है ना वह प्रसिद्ध है शेर के लिए, लायन के लिए। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थोड़ा जूम करिए, ठीक है अब? ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7। एक नर युग्मज और अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो एक होता है नर युग्मज को कोशिका केंद्र के साथ संलयन जब होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चारों से जल फटाफट राइट आंसर क्या होगा? उसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पीत पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या नाम है? पीत पिंड द्वारा जो स्रावित होता है, ये जो निकलता है हार्मोन, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी कोशिकाएं शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है? शरीर की कौन सी कोशिका शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित करती है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका। स्टेम कोशिका होती है, क्या? स्टेम कोशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा? प्रोटोजोआ जो है परजीवी, जो प्रोटोजोआ परजीवी है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। कौन सा रोग होता है? अमीबिता होता है, मलेरिया भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला ज्वार हो भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी होता है। चलिए क्वेश्चन 11। इनमें से पर्युत्जरता उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन सी है? कौन सा बीमारी है जल्दी बता। बहुत सुंदर, हे ज्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हे ज्वर एक बुखार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नया पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस गुण अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूलर टोटी
परसेंटी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है? बायोगैस में कौन कौन सा गैस मिश्रित रहता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में हो जाएगा बी, क्या होगा? CH4 रहता है मीथेन, H2SO होता है और CO2 रहता है कार्बन का, ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिबंध इंडो न्यूक्लियज डीएनए के लिए विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? उसका अनुक्रमों का पहचानता क्या होता है? पहचान क्या होता है जल्दी बता। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में बी लगा रहे हैं उनका एंजाइम होता है, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बचुरेलिया बैंक्रोप्टी अवामी में फलेरिया रोग पैदा होता है, फलेरिया रोग होता है किस में, कैसे होता है फलेरिया रोग? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में डी ला रहे हेल्प हेल मिथ में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ई कोलाई क्लोनिंग संवाहन PBR-322 प्रतिबंध स्थल श्रृंखला मौजूद है, कहां पर है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? बस ECOIR में होता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पशु विषाणु समान जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है? क्वेश्चन में 17 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में सी, उनका 100% कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन राइस में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? पदार्थ की बात हो रहा है, विटामिन ए पाया जाता है, पदार्थ कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बीटा कैरोटीन पाया जाता है उसमें, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था? जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग जो है किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था 1990 में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। बहुत सुंदर साधना, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो सभी स्टूडेंट, और लाइक दबाकर करो सभी स्टूडेंट, अपना धर्म निभाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सहोपकारिता का उदाहरण, सहोपकारिता का जो उदाहरण होता है वह क्या होता है? वह उदाहरण होता है लाइकेन होता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21, मुर्रा सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? मुर्रा सुरती की बात हो रहा है, वह भैंस की प्रजाति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22, AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? किसके इलाज में प्रयोग होता है जल्दी बता। बहुत से एड्स के इलाज में वह प्रयोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स का जांच कैसे होता, किससे होता है? एलिसा जांच से होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जल्दी बताओ? एथियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांसजेनिक पौधा उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? एग्रोबैक्टेरियम से और ट्यूमी फेंसियंस द्वारा किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सापेक्षिक जैविक संतुलन में संतुलन के हस का कारण क्या होता है, मतलब घटता है उसका कारण क्या होता है? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या ऑप्शन में डी जो प्रदूषण होता है, क्या होता है? प्रदूषण उसका कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26, हरे पौधा उत्पन्न उत्पादक होते हैं जो क्या होता है? हरे पौधा उत्पादक होते हैं जो क्या करता है? क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है हरे पौधा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की जलवायु का खतरा है, विश्व के जलवायु का किस गैस का खतरा है? बहुत सुंदर, किस गैस का? CO2 का खतरा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, गंगा जल में सब को प्रवाहित करने से क्या होता है? जब गंगा जल में सब प्रवाहित होता है तो उससे क्या होता है? BOD में वृद्धि होता है और घुलित ऑक्सीजन में कमी आ जाता है, जीवाणु में वृद्धि आता हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है किसमें जल्दी बता?
बहुत सुंदर, किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए होता है, राइट। ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 31, इंडोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली नामक जो परागन होता है ना, वह होता है कीड़ा के लिए। किसके लिए? कीड़ा के लिए, राइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 32, कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को, राइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है? विडाल परीक्षण द्वारा जो होता है ना, वह टाइफाइड का परीक्षण होता है, मतलब पता चलता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? सिफिलिस जो है यौन संचालित रोग है, राइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पीसीआर की विधि आवश्यक है, पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है? डीएनए को संवर्धन के में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन जो है नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर डी लगा रहे हैं, उनका 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 38, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वह बाघों के लिए है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए में पायरीमिडीन पाया जाता है, डीएनए में पायरीमिडीन कहाँ पाया जाता है? 40 बता, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ये लगा, इनका थायमिन एवं साइटोसिन में पाया जाता है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा आता है? एनीमोफिली नामक परागन जो है किसके द्वारा आता है? क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवा द्वारा फैलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने गार्डन मटर के पौधे को चयन किया था, सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पौधा कौन सा है? पपीता है, क्या है? पपीता, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला कौन सही है? घास को गेहूं नहीं, घास बकरी और शेर, हाँ ये सही है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है वह क्या है? जल्दी, 46 का राइट आंसर क्या होगा? शुगर पर एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो है वह होता है एंड्रोजेन के द्वारा होता है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मानव रुधिर वर्ग ए बी वर्ग में है, तो बताओ ए बी वर्ग क्या होते हैं? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में भी, उनका एंटीबॉडी अनुपस्थित उसमें रहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन 50 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं, उनका 100 अनुवांशिकता का नियम प्रस्तावित किया था, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 51, मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए किसका सहायक है, सहायक करता है? जो बच्चे क्वेश्चन में 51 का राइट आंसर ऑप्शन में बी लगा रहे, उनका 100 जैविक खाद का होता है, राइट आंसर ऑप्शन में बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, यूकेरियोटाइड में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंट्रोन कहते हैं, राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, मानव का उद्गम स्थान माना जाता है, मानव का उद्गम स्थान अफ्रीका को माना जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, एड्स के लिए स्क्रीन परीक्षण होता है तो एलिसा जांच होता है, क्या था? एलिसा जांच, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया आरंभ होता है, किसके द्वारा होता है एलर्जी क्रिया आरंभ? क्वेश्चन 55 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर बी, आईजी द्वारा होता है एलर्जी क्रिया शुरुआत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56, बीटी अवशिष्ट किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में लगा रहे प्रक्रिया योट से, उनका हंड्रेड प्रोकैरियोट से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से ई कोलाइड में लेक प्रो प्रचालक की स्पष्ट जानकारी दी गई है, किसमें दी गई है? बाहुसन किसमें? जैक बर्न एवं मोनोड में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 58 कहता है चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की था उसका नाम क्या था? क्वेश्चन 58 का राइट आंसर जो बच्चा ऑप्शन में बीगल जहाज पर हुआ चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा आरंभ किया था समुद्र में, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 कहता है कि ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के मुख्य अंतर को क्या कहते हैं? उसका मुख्य अंतर को कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, लीवर होता है सबसे अधिक प्रभावित, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी वाले बच्चे मौज कर दिए हैं। चलिए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा सब बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, तो जल्दी से बताओ आज का क्लास कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट करो और चैनल को फटाफट से बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, सभी स्टूडेंट। अब वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतलाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे सुबह आज सुबह आपका क्लास चलेगा कितने बजे से? 4:30 बजे से क्लास लेंगे। 300 क्वेश्चन का सेट चलेगा, 300 क्वेश्चन आज सुबह करवाएंगे जिससे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4:30 बजे से क्लास होगा, 5:30 से 6 बजे तक क्लास चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे चलेगा, नहीं तो 5:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगा। 4:30 बजे याद रखना, 4:30 बजे सबको आना लाइव में, 300+ क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।